अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आपको फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने आपके सफर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो आ रही है कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से। तो कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट दोस्तों की है, रमजान को लेकर किया गया। तो साथियों आप लोगों को तो पता ही होगा कि रमजान का महीना जैसे ही आता है तो कंपनियां क्या करने लगती है, बहुत सारी चीजों को दाम को बढ़ा देती है और इलीगल तरीके से बेचती है। तो उसी को लेकर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है कि लगभग 900 खाने पीने चीजों के आइटम को और जो भी घर की जरूरतमंद जो चीजें होती हैं उसके 900 आइटम को दाम को घटाने की बात की गई है, यानी प्राइस का रिड्यूस किया जाएगा। तो साथियों वैसे 900 नाम को मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर ज्यादातर जो लोग हम लोग इस चीजों को इस्तेमाल करते हैं उस चीज का मैं नाम बता देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि होगा राइस यानी चावल, फ्लोर यानी आटा, नूडल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध वगैरह, केरल्स पाउडर एंड कंसिडेंट मिल्क, कुकिंग ऑयल, बटर, चीज़, जूस, शुगर यानी चीनी, कॉफ़ी, नमक, खजूर, बोटल वाटर, टिश्यू पेपर, डिटर्जेंट पाउडर, पेस्ट्रीज, लेगमेंट्स, फ्रोजन वेजिटेबल, मीट प्रोडक्ट, अंडा, घी, ईस्ट, पर्सनल हाइजीन आइटम और दोस्तों ये सब चीज़ों को दोस्तों वहाँ पे दाम को घटाया गया है। तो दोस्तों ये रमज़ान से पहले ही से नियम को लागू कर दिया जाएगा, कहीं पे भी यदि खरीदने आप जाते हो तो इन सब चीज़ों का दाम वहाँ को कम देखने को मिलने वाली है। अगली अपडेट की ओर साथ में चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बहुत ही धूमधाम तरीके से संपन्न किया गया। तो दोस्तों अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो 2026 में होगा, यानी आने वाला 2024 सालों के बाद फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए 3 देशों को चुना गया है, यानी तीनों देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को कराएंगे, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा होगा। तो साथियों ये जो है 19 जुलाई 2026 को दोस्तों ये स्टार्ट होगा। तो साथियों बताया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में इस बार जो होने वाला उस मैचों को बढ़ाया गया, यानी पहले कम मैच करवाया जाता था, इस पर ज्यादा मैच करवाया जाएगा। लगभग 104 मैचों का प्रोग्राम का दोस्तों आयोजन इस बार किया जाएगा। तो साथियों ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप की जो अध्यक्ष है उनके तरफ से दोस्तों ये किया गया है। बहुत सारी टीमें दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करेगी, लगभग बताया जा रहा है कि टीमों को इस बार 48 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इस बार तो शायद 32 टीमें पार्टिसिपेट की थी, पर इस बार लगभग 48 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों बहुत ही बढ़िया खबर है। खबर इसलिए बढ़िया दोस्तों क्योंकि पहली बार कतर में एक फर्स्ट नेशनल प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया गया है हिमायन कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों हिमायन कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कतर में पहला जो प्रीपेड कार्ड है जो आप इस्तेमाल कर पाओगे POS के किसी भी ATM और ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कंट्री में कहीं पर भी कर पाओगे। तो ये हिमायन की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।